तो सी, सॉरी, जेएसटीएल कोर टैग में ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन टैग के बारे में देखेंगे। वैसे भी मैंने आपको बता चुका है कि जो हमारा जीएसटीएल टाइप ऑफ टैग जो कि कोर है उसमें हमने बहुत सारे टैग देखे। वैसे तो 15 जो पॉपुलर टैग थे उसके बारे में हमने देखा, या फिर 10 to 12, तो 10-12 टैग तो देख चुके होंगे, है कि नहीं। इस लेक्चर में भी हम 2-3 टैग कवर कर लेंगे क्योंकि वो जो टैग है ना वो आपस से रिलेट करते हैं। ओके, तो हर टैग के लिए एक अलग अलग लेक्चर बनाना जो है काफ़ी जो है मुश्किलों भरा भरा रहता है। ओके, एंड मज़ा भी नहीं आता। तो आप जो है 2-3 जो टैग है उसको जो है हम एक साथ रिलेट करके जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको भी जो है एंजॉय मन इंटरेस्ट आता है एंड हमें भी जो है पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके, तो इस जो है मैं यहाँ पे इस लेक्चर में जो है कोर टैग के जो जितने भी टैग है वो तो फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है फंक्शन टैग के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टैग है हमारे जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी का। तो इसमें आप समझते हैं कि सबसे पहला जो दिख रहा है हमारे पास परम टैग। परम टैग नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इसका यूज करके हम कोई भी पैरामीटर की वैल्यू को जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो आप सही समझ रहे हैं। तो सी परम टैग एड द पैरामीटर इन अ कंटेनिंग इम्पोर्ट टैग यू आर एल। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो परम टैग का जो हम यूज करते हैं वो हम पैरामीटर को ऐड करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे, यू आर एल में। यू आर एल मीन्स एड्रेस, ठीक है। यू आर एल अब तो जानती होंगे ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इट अलाउज द प्रॉपर यू आर एल रिक्वेस्ट पैरामीटर टू बी स्पेसिफाइड विद इन द यू आर एल एंड इट ऑटोमेटिकली परफॉर्म एन नेसेसरी यू आर एल इनकोडिंग। देखिए यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है, कहाँ कहाँ, हाँ, सर्वलेट। सर्वलेट में जब हम क्या करते थे कि सीजन ट्रैकिंग का जो हमारा सेगमेंट था, सीजन किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, या फिर जो हमारा HTTP जो कि एक प्रोटोकॉल था और वो एक स्टेटलेस था, तो उसे जो है एक स्टेटफुल बनाने के लिए मीन्स, तो हम क्या करते थे कि हमने 4 तरह की सीजन ट्रैकिंग पढ़ी थी जिनमें एक यू आर एल रीराइटिंग का जो था हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये भी कुछ इस तरीके का है। अगर आप एग्जांपल देखें तो हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये इसका एक एग्जांपल है। तो हमने क्या किया कि यू आर एल टैग लिया, सी यू आर एल टैग लिया जो कि टाइप ऑफ कोर टैग का एक टैग है एंड इसका जो है हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम लिखा इस यू आर एल टैग का जो है हमने वेरिएबल एट्रीब्यूट के अंदर एक कंप्लीट यू आर एल इस वेरिएबल का नाम लिखा एंड इसकी वैल्यू क्या लिखा मैंने, स्लैश index1.jsp। ठीक है, वो ये इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है ओपन टैग, नीचे क्लोज टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया था जिसके कारण एरर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखते हैं। तो हमने एक यू आर एल टैग क्रिएट किया जिसका वेरिएबल एट्रीब्यूट में क्या लिखा, कंप्लीट यू आर एल एंड उसकी वैल्यू क्या रखा हमने, index1.jsp। अब इसके अंदर देखिए यू आर एल टैग के अंदर हमने दो परम टैग यूज किया है। ये क्या है, ये बेसिकली एक पैरामीटर है जिसका अपना एक नेम है एंड एक वैल्यू है। ये क्या होगा जब हम index.index1.jsp है ना उसके साथ ये दोनों अटैच हो जाएंगे। देखिए हमने गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड पढ़ा था, तो गेट मेथड में क्या होता था कि हमारा यू आर एल शो होता था हमारे यू आर एल बार में। ठीक है, तो वहां पे कैसा होता था, सबसे पहला सोर्स नेम जैसे कि index1.jsp, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जो हम पास करते थे जो क्लाइंट के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन पास किया जाता था सर्वर को, तो क्या होता था कि वो यू आर एल के साथ जुड़ के जाता था, index1.jsp फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर ट्रैकिंग आईडी एंड इक्वल टू 786, उसके बाद डबल एड्रेस M%, डबल M%, उसके बाद यूजर इक्वल टू रोहित। तो ये कुछ इसी तरीके का जो है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। हमने यू आर एल टैग के अंदर दो परम टैग यूज किए जिसके अंदर दो पैरामीटर है, उसका नेम एंड वैल्यू पेयर में है एंड वो क्या होगा, इस जो हमारा एड्रेस है जो ये यू आर एल है इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड वो रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज में, मीन्स इस पेज में। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम कौन सा टैग यूज करेंगे, रिडायरेक्ट टैग। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो है परम टैग के साथ हमने यू आर एल टैग का समझा, यू आर एल टैग का क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है एंड उसी में जो है हम परम टैग यूज करते हैं एंड उनके साथ जो है हमने रीडायरेक्ट टैग भी पढ़ा जिसमें ये क्या करेगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा जो भी क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट आया रहता है उसे वो क्या कर देगा, दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा, मीन्स इस एड्रेस को जो है फॉरवर्ड कर देगा। ओके,
एंड उसके साथ जो है ये जो दो पैरामीटर है उसे भी पास कर देगा, ठीक है, इस एड्रेस के साथ। तो जब क्लाइंट को रिस्पॉन्स होगा तो ये एड्रेस के साथ ये दो पैरामीटर है वो भी मिलेंगे एंड उसकी वैल्यूज, ठीक है। इसका भी अगर एग्जांपल देखें तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी एंड वापस अपने इसमें आ जाता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, इसे हटा देता हूँ, नहीं तो गलत हो जाता है बार बार, क्या है कॉपी करने में जो है ना ये नंबरिंग जो हमारी है ये आ जाती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का इसका यूज़ है। ओके, तो सबसे पहले हमने यूआरएल टैग के अंदर जो है यूआरएल ये हमने लिखा, उसके बाद जो है हमने दो पैरामीटर लिखा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे डॉलर से प्रिंट कराने की कोशिश की। वैसे तो प्रिंट कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जैसे ही हम इंडेक्स डॉट जे एस पी को सर्वर पर रन कराएंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा हमारे इंडेक्स वन डॉट जे एस पी पेज को, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जे एस पी पेज तो है ही, तो ये इंडेक्स वन डॉट जे एस पी पेज को रीडायरेक्ट कर देगा। तो हमने इंडेक्स वन डॉट जे एस पी पेज तो क्रिएट किया नहीं है, तो हम यहाँ पे वेलकम डॉट जे एस पी लिख देता हूँ क्योंकि वेलकम डॉट जे एस पी पेज हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये वेलकम डॉट जे एस पी पेज है, तो यहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण जो है ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज के द्वारा जो हम कंप्लीट यू आर एल को प्रिंट करा रहे हैं वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे अभी हटा देता हूँ, ठीक है, अभी हटा देता हूँ, देखता हूँ, देखना यहाँ पे कंप्लीट यू आर एल में जो क्या होगा ना, इसका एड्रेस एंड इसके साथ जो है ये दो पैरामीटर अटैच होके प्रिंट हो जा जाएंगे। ओके, तो मैं कंट्रोल सेव करके एंड इसे सर्वर पे रन कराता हूँ याले पेज को, रन सर्वर एंड फिनिश। देखिए ये क्या हुआ, ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना कंप्लीट यूआरएल वो प्रिंट हो रहा है। तो वो प्रिंट हो रहा है तो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट है जीएसटीएल एग्जाम्पल, उसके बाद वेलकम डॉट जी एस पी, ओके जी, वेलकम डॉट जी एस पी, ये वेलकम डॉट जी एस पी प्रिंट हुआ। एंड उसके बाद जो है ये सेशन आईडी है जो वेलकम डॉट जी एस पी पेज का, जब हम पहले प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे थे ना तो उसमें जो है सेशन आईडी था जिसे हमने रिमूव नहीं किया, तो वो आईडी अभी तक ऐड है। ओके, एंड उसके बाद जो है ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग आईडी देखिए ये क्वेश्चन मार्क को आप दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमने दो पैरामीटर जो ऐड किया था वो यहाँ पे अटैच होकर प्रिंट हो गया, जिसमें था पहला ट्रैकिंग आईडी जिसकी वैल्यू थी 786 एंड उसके बाद एम परसेंट एंड यूजर इक्वल टू रोहित। तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम रीडायरेक्ट लगाते हैं, आपको पता चल गया किस तरीके से इसने यूआरएल प्रिंट किया। ओके, तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये कहाँ करेगा, अब ये रीडायरेक्ट कर देगा उस एड्रेस पे जो यहाँ पे ये प्रिंट है, ठीक है। अब मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्या रिजल्ट आता है, ये कुछ एरर आया है, एरर क्यों आया है भैया, देख लेते हैं, लाइन 19 कॉलम 18 इंडेक्स डॉट जे एस पी, लाइन 19 कॉलम 18, हाँ यहाँ पे इम्वर्टेड कॉमा में मेरे को कुछ दिक्कत दिख रहा है। ओके, तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ, अब सही है, अब एरर नहीं आएगा। ओके, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड क्यों नहीं है भैया, एड्रेस देखते, लोकल होस्ट, अच्छा दो बार जी एस टी एल, जी एस टी एल एग्जाम्पल आ गया है, ये दो बार क्यों आया है देख लेते हैं, क्योंकि दो बार इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये होता है कि वो पूरे जो है उसको इंक्लूड कर लेता है, समझे, एक बार और। तो हमारा जो है यहाँ पे जी एस टी एल मीन्स इसे हटा लेता हूँ, ठीक है, खाली वेलकम डॉट जी एस पी लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो है दो बार यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नाम आ गया जी एस टी एल एग्जाम्पल एंड उसके बाद फिर से जी एस टी एल एग्जाम्पल, इसके कारण जो है हमारा पेज फॉर्म नहीं हो पाया और यहाँ पे एरर शो हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे उसे सुधार लिया है, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अरे ये इंडेक्स डॉट जी एस पी पेज को रन कराना है ना, तो इंडेक्स डॉट जी एस पी पेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब रन कराता हूँ तो देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारा क्या क्या आ गया है, डेटा आ गया है जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि किस तरीके से डेटा को अपने जो है सोर्स में कंटेंट मीन्स इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यूआरएल है वो तो बिल्कुल सही है, वेलकम डॉट जी एस पी एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो हमारा पैरामीटर था वो भी पास हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एरर आ गया है, इसे कैसे सुधारेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है।
पिछले लेक्चर्स का जो कंटेंट था ना वो इसमें ऐड है। अब फिर से मैं जो है इसे रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। देखिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि तो इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे हमारा जो क्या है ये प्रिंट कराता हूँ रिक्वेस्ट पैरामीटर की हेल्प से। ठीक है, जो पैरामीटर हमने पास किए ना वो से मैं प्रिंट कराता हूँ। तो रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है यूज़र की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। यूज़र यूज़र था ना, ठीक है। तो ये यूज़र की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यहाँ पे रोहित प्रिंट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा जो परम टैग है, ठीक है। ओके, बहुत लेट हो गया है तो उसे स्किप कीजिए। अब समझ गए होंगे आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा कैश टैग। अब कैश टैग क्या होता है, ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है, इसे जो है समझना जरूरी है क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है जो जावा को सबसे अलग बनाता है। एंड जावा ही के थ्रू जो है हम किसी भी प्रोग्राम को जो है एंड तक रन कर पाते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस जैसी चीज आ जाती है हमारे प्रोग्रामिंग में, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो कुछ अदर डिवाइस एप्लीकेशन हो या फिर वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो समझते हैं कि कैश टैग का किस तरीके से यूज है। तो इट्स इट्स यूज फॉर अ कैचेस एनी थ्योरेबल एक्सेप्शन दैट अकर्स इन द बॉडी एंड ऑप्शनली एक्सपोज इट। देखिए जैसा कि आपको भी पता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, एक्सेप्शन आता है तो उसे कैश टैग क्या करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हमें जहां लगा हमें हमें लगा कि भैया हमने जो यहाँ पे स्क्रिप्टेड टैग यूज़ किया है, ठीक है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि एरर आ सकता है, ठीक है। आपको तो वैसे पूरा पता है कि एरर आ रहा है, लेकिन सपोज मान लीजिए कि लग रहा है कि एरर आएगा, तो हमने क्या किया कि उस जो कोड को है ना हम अपने कैच टैग जो कि कोर टैग है, ठीक है, कोर टैग के अंदर जो है हमने उसे इंक्लूड कर दिया। इससे हुआ क्या कि अगर यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होता है तो ये हमारा कैच टैग जो है उसको हैंडल कर लेगा। वो उस एक्सेप्शन जो भी थ्रो हो रहा है वो इस वेरिएबल में उसे स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड अगर उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। तो वो जो एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुआ होगा वो हमारे कैच में जो भी वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है कैच टैग का, वो उसे यहाँ पे प्रिंट करा देगा और हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन होगा, ठीक है। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको जो है दिखा देता हूँ। तो इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इंडेक्स टैग इसे हटा देता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, ये नंबर को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इफ टैग भी यूज़ किया है, सी इफ टैग। वो इसलिए यूज़ किया है कि अगर जो हमारे कैश टैग में वेरिएबल है, ठीक है, अगर उसमें कोई एरर नहीं आता है, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है, तब क्या होगा, वो इफ ब्लॉक का टैग के अंदर जो इफ इफ ब्लॉक के अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर इफ टेस्ट टेस्ट करो कि कैच द एक्सेप्शन जो कि वेरिएबल है कैच टैग का, अगर वो नल नहीं होगा तो इसके इफ ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा, ठीक है। वहां पे हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज करके हम उसकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इसे मैं जो है सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, index.jsp ये मैंने यहाँ पे लिखा index.jsp। JSP की यही खास बात है कि बार बार जो है डिप्लॉय नहीं करना प्रोजेक्ट को, हमें केवल URL लिख के रन कर दो। तो देखिए यहाँ पे एरर आया, एरर क्यों आया, जिसमें लिखा है द टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज जावा लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो। आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है क्योंकि 2 बाई 0 एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, कौन सा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आपको एक मतलब यूज़र द्वारा जो है मीन्स एक यूज़र को जो है मैसेज डिस्प्ले कराना है जो समझ सके कि हाँ भैया क्या एरर आया है, तो आप सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिख के एंड डॉट लगा के उस मैसेज कॉल करिए, मीन्स उसका एक मैसेज जो हमारे पास एक क्या कहें एट्रीब्यूट है वो क्या है उसे शो कर देते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को देखूंगा, तो जो पहला रो है उसमें पूरा इसने जो है डिस्क्रिप्शन कर दिया कि क्या एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, एंड दूसरा रो है वो एक यूजर फ्रेंडली है जहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर इज एन एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है, डिवाइड बाई जीरो, मतलब आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए जो है वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है हमने यूज़ किया है, अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी जो है वो शो करेगा, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ। ओके एंड रिफ्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखिए ये एरर बताएगा, एरर नहीं बताया, अच्छा वो मैंने डिस्प्ले नहीं किया ना, यहाँ पे जो है इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करा है इसलिए, ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमने इफ टैग या इफ ब्लॉक बनाया हुआ था। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर टैग को जो है किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एंड उसके लिए जो है हमें टैग लिप डायरेक्टिव को इंक्लूड करना रहता है हमारे पेज में, एंड उसके जो कोर टैग में हमारे जितने भी टैग थे उसके बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फंक्शन टैग के बारे में देखेंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टैग है हमारे जी एस टी एल का। ओके एंड उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टैग के बारे में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।